हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, अपना मेन हीरो 500 साल तक कल्टीवेशन करने के बाद जाग जाता है, और जब वो जागता है तो देखता है पूरी दुनिया बदल चुकी होती है। और तभी वो एक शॉप में जाता है और वहाँ पे 500 साल पुराने नोट देता है, जिसको देखने के बाद में वो शॉपकीपर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होते हैं। उतने में वहाँ पे एक लड़की आती है और उसके लिए भी सामान लेती है, और उस शॉपकीपर से बोलती है कि मैं इसके पैसे दे दूंगी, इसको वापस दे दो, और इसको सामान दिलाने के बाद में चली जाती है। और तभी दिखाते हैं कुछ समय बाद का सीन, जैसे ही वो हीरो बाहर निकलता है देखता है कि एक डीमन, एक फॉक्स डीमन का पीछा एक बैड डीमन कर रहा होता है। और तभी वो उनको देखते हुए सोचता है कि इनकी स्पिरिचुअल पावर में कुछ गड़बड़ी है। फिर बाद में दिखाते हैं कि फॉक्स डीमन को उस बैड डीमन ने अपने एक स्किल के थ्रू घायल कर दिया होता है। तभी फॉक्स डीमन अपने आप को संभालती है और धीरे से खड़ी होती है, और खड़े होने के बाद बोलती है अब तुम बेवकूफ, तुम मरने वाले हो, और अपनी गन निकालती है और उसके ऊपर तान देती है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और गाइस, ऐसे अपना प्यार अपना बनाए रखें, और जो लोग न्यू आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा, या सब्सक्राइब ना भी करिएगा लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको उस फॉक्स डीमन ने वहां पे फायर कर दिया होता है, और जिसकी रेज बहुत ज्यादा तेजी से आगे की ओर बढ़ रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं बैड डीमन जब देखता है कि फॉक्स डीमन ने उसके ऊपर फायर किया है, तभी वो एकदम से थोड़ा सा डॉच कर लेता है और उस फायर के अटैक से बच जाता है। और गाइस, जैसा कि देख सकते हैं वहां पे कितना ज्यादा मतलब एनर्जी बढ़ा होता है फायर के कारण से। फॉक्स डीमन ये देखने के बाद में कि उसका किए हुए अटैक को उस बैड डीमन ने डॉच कर दिया है, वो शॉक्ड हो जाती है। और तभी हमें दिखाते हैं कि वो बैड डीमन उसके अटैक को डॉच करने के साथ में ही आगे की ओर अपना पंजा करता हुआ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। और फिर हमको दिखाते हैं वो बैड डीमन फॉक्स डीमन का हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही ईविल स्माइल दे रहा होता है, और वो फॉक्स डीमन एकदम से घबरा जाती है कि इतनी स्पीड से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। और उसका हाथ पकड़ते हुए बैड डीमन बोलता है अरे ओ बसंती, तुम कहां भागने की कोशिश कर रही हो, तुम नहीं भाग सकती हो। और तभी वो फॉक्स डीमन बोलती है नहीं, मुझे जाने दो, मुझे अपने वीरू के लिए जाना है। और दोस्तों, तभी हमें दिखाते हैं कि अपना वीरू आ जाता है, और तभी वो अपना एक स्किल यूज करता है, मतलब अपना हीरो आ जाते दोस्तों, मजाक कर रहा था, और वो अपना स्किल यूज करता है, और तभी उसकी स्किल से बहुत ढेर सारी स्पेशल पावर निकलती है। और तभी वो कहता है भगवान के लिए तुम उसे छोड़ दो। और तभी गाइस हमको दिखाते हैं अपने हीरो की एंट्री, जो बहुत ही धांसू होती है। वो जैसे ही आता है वैसे ही अपनी स्पेशल पावर को रिलीज कर देता है, और रिलीज करते हुए कहता है मुझे तुम्हारी मदद करने दो लिटिल फॉक्स। और ये कहने के साथ ही वो अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर लेता है। और गाइस हमें दिखाते हैं कि वो जो बैड डीमन होता है उसके पावर के इम्पैक्ट से जो उसने अटैक किया होता है एकदम से उड़ के पीछे जाता है, चिल्लाता है आह, और पीछे की ओर गिर रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं वो फॉक्स डीमन धीरे से अपने आप को संभाल रही होती है, क्योंकि उसको चोट लगी हुई होती है, और संभालते हुए बोलती है कौन कौन है। और फिर हीरो बोलता है मिस, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है। और वो जैसे ही बोलता है वो फॉक्स डीमन उस लड़के को देखने के बाद में शॉक्ड हो जाती है, और शॉक्ड होते हुए मन में सोचती है ये तो वही है वो जिससे मैं स्टोर में मिली थी, और जिसको मैंने खाने का सामान दिलाया था। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर वो फॉक्स उसकी तरफ देखते हुए कहती है लिटिल ब्रदर, इस सीनियर सिस्टर ने बहुत ज्यादा दारू पी ली है, क्या आप इस बड़ी बहन से दिल खोल कर बात करने के लिए होटल जाना चाहेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं, ये जितने भी मांगा होते हैं इसमें बहन भाई का कोई रिश्ता कोई रोल नहीं होता है, बस जो ब्लड रिलेशन होता है वही बहन भाई है यहाँ पे, ये लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट में सिस्टर ब्रदर बोलते हैं। फिर वो लड़की ये बात बोलने के बाद में बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है, और फिर वो अपने मन में एक शातिर प्लान बनाते हुए सोचती है जब हम होटल पहुंचेंगे और मैं इस धोखेबाज को बाहर निकाल दूंगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हीरो उसकी ये बात सुनने के बाद में थोड़ा सा मतलब शॉक्ड हो जाता है, और बिल्कुल बेकार से एक्सप्रेशन देता है, देते हुए मन में सोचता है क्या छोटा भाई बहुत पी ली है, क्या आपको लगता है कि मैं एक मूर्ख हूँ बेवकूफ हूँ। मतलब दोस्तों 500 साल से कल्टीवेशन कर रहा था, दिमाग में तेज तो हो गई होगा, और 5000 साल की इसकी उम्र है, 5500 साल। और फिर वो सोचता है कभी भी नहीं, ऐसा तुम सोचना भी नहीं। फिर कहता है चलो कोई बात नहीं, चलो इस छोटी फॉक्स से हम लोग कम्पीट नहीं करेंगे। हीरो अपने मन में ये बात को सोच ही रहा होता है, तभी उतने में वो फॉक्स अपना ठरकपन दिखाते हुए आगे आ जाती है, और ब्लश करते हुए हीरो को पकड़ लेती है, और अपने चार्म स्किल को यूज करते हुए कहती है जब हम लोग होटल पहुंचेंगे तो आप मेरे साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। मतलब देख रहे दोस्तों खुला दरबार है, आओ क्रीम रोल खाओ और जाओ। उतने में दिखाते ये बात वो बोली रही होती है, तभी एकदम से उसके सर में कुछ दर्द होता है, वो बोलती आह मेरा सर, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है सर में। और साथ ही ये कहने के बाद में वो ब्लश करते हुए वहीं पे अपनी आंख बंद कर लेती है। और गाइस हमें दिखाते हैं मतलब उसने कुछ ज्यादा ड्रंक करी होती है, वो एकदम से वहां पे गिरने लगती है, वो शॉक्ड हो जाती है कि अरे ये तो मुझे पकड़ ही नहीं रहा है। मतलब दोस्तों वो सोच रही थी मैं गिरने का नाटक करूंगी तो ये पकड़ लेगा। फिर हमें दिखाते हैं वो गिरने के बाद में अपने मन में ही कहती
कहती है गुस्साते हुए, क्या तुम एक आदमी हो भी कि नहीं? आप मुझ में इंटरेस्ट रखते हो भी कि नहीं? आप मुझ में रुचि क्यों नहीं रखते हैं? क्या तुम पूरी तरह से इवॉल्व हो चुके हो? और गाय से लेटी वहीं पे बड़बड़ा रही होती है सब बातें। उसकी ये सारी बातों को सुनने के बाद में अपना हीरो वहीं बगल में खड़ा हुआ बोलता है, बकवास मत करो, सभी आदमी एक जैसे नहीं होते हैं जो तुम्हारे बहकावे में आ जाएं। तभी हमें दिखाते हैं हीरो ये बात बोल ही रहा होता है, तभी साइड से तीन लोग बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। हीरो उनको देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए कहता है, कोई आ रहा है यहाँ पे। वो आदमी हीरो के पास आते हैं और उसी के सामने अपनी लाइट ओपन करते हैं, जलाते हुए कहते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा रहे होते हैं। तभी हमको दिखाते हैं वो फॉक्स डीमन एकदम से खड़ी होती है और हीरो के पास आकर चिपक के खड़ी हो जाती है और वो दोनों उन लोगों को देख रहे होते हैं। फिर हमको दिखाते हैं वो जो गार्ड आया हुआ था दोस्तों ब्लैक ड्रेस में, वो एकदम से उस फॉक्स डीमन को देखने के बाद में घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, ओह मैडम, आप मिस यिन, आप क्या परेशानी में है कोई? आप ठीक तो हैं? आपको इस आदमी ने तंग तो नहीं किया? मतलब दोस्तों हमारी फॉक्स डीमन का नाम मिस यिन है। फॉक्स डीमन मिस यिन गुस्साते हुए बोलती है, जैसे ही मेरा बॉयफ्रेंड और मैं पार्टी से बाहर आए, एक ट्रांसफॉर्म क्रिएचर ने हमें लूट लिया और यहाँ तक कि हमारी कार भी खो गई है। फिर और गुस्साते हुए बोलती है, क्या इस तरह आप कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं? क्या आप लोग को देखना नहीं चाहिए कि आम लोगों पर कौन अटैक कर रहा है कौन नहीं? फॉक्स डीमन की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो थोड़ा मतलब सोचने लगता है और सोचते हुए कहता है, क्या वहाँ से गुजरने वाले सारे पुलिस वाले इसे जानते हैं? क्या ये डीमन एक सेलिब्रिटी है क्या? और फिर हमको दिखाते हैं कि उस फॉक्स डीमन के गुस्साने के बाद में वो जो गार्ड होता है वो मनी मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उस फॉक्स डीमन से बोलता है, हाल ही में कुछ बेचैनी हुई है, खासकर इस दोपहर जब आकाश नाटकीय रूप से बदल गया है और एक ड्रैगन का आकार बादलों पर तैर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि साउथ में डीमन ट्राइब का क्या होगा। दोस्तों फिर दिखाते हैं फॉक्स डीमन और उसके प्रेमी मतलब बोले तो अपना हीरो उसको देखते हुए जो वहाँ पे जो गार्ड आए होते हैं पुलिस वाले आए होते हैं उनसे कहती हैं, खैर मैडम जो भी हो गया है अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर कहता है, पुलिस जो ट्रांसफॉर्म हो गया है क्रिएचर उसको दूर ले जाएगी और ये दोनों के लिए बताता है वो, और हम आप दोनों के लिए किसी को व्यवस्था करने के लिए बोलते हैं कि आपको आपके प्लेस तक पहुंचाया जाए। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं दोस्तों और हमें दिखाते हैं बहुत बड़ी सिटी और उस सिटी में बोल रहा होता है कोई, ठीक है मैं आपको पहले घर ले जाने के लिए किसी की व्यवस्था करूंगा। और तभी दोस्तों हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जो कि रास्ते में जा रही होती है और फिर हमको दिखाते हैं उस गाड़ी के अंदर हमारा हीरो और वो फॉक्स डीमन बैठी हुई होती है। हीरो आज की सिचुएशन को सोचते हुए कहता है, ब्लू ड्रैगन का आकार या एक ऐसा विजन है जो मेरी रिट्रीट से बाहर आई है, मतलब जब ये बाहर आया तो उसी के साथ ये भी आया है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं हमको फॉक्स डीमन उसके प्यार में पागल उसकी तरफ देख रही होती है और देखते हुए सोचती है, ये छोटा सा डीमन जो केवल प्यार के लायक है और ये देखने में भी थोड़ा हैंडसम है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं दोस्तों हमको और अपना हीरो कुछ सोच रहा होता है, वो मन में कहता है, इतने सालों के बाद चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, यह सच में दुर्भाग्यपूर्ण है कि चोट अभी तक सही नहीं हुई है। तभी दिखाते हैं वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है दोस्तों और हमको पता चलता है कि अपने हीरो के पीछे उस फॉक्स डीमन ने हाथ डाल दिया होता है कमर में, जिससे कि वो शॉक्ड हो जाता है। जैसे ही हीरो शॉक्ड होता है वो फॉक्स डीमन की तरफ देखता है और देखता है कि वो एकदम उसको पागलों के तरीके देख रही होती है और देखते हुए घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, तुम क्या कर रही हो मेरे साथ में? और दूसरी तरफ फॉक्स डीमन ब्लश कर रही होती है। और दोस्तों हमें दिखाते हैं फॉक्स डीमन यहीं पे रुकती नहीं है, वो उसके बाद में जो अपना हीरो होता है उसकी गोद में आके बैठ जाती है और उससे बुरी तरह की फ्लैट कर रही होती है, प्यार कर रही होती है कि नहीं तुम मुझे अपना लो, तुम उससे प्यार करो, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। और दोस्तों हमें दिखाते हैं ये जो हरकतें चल रही होती है जो आगे ड्राइवर होता है वो देख रहा होता है और देखते हुए सोचता है, मैं पहली बार इतनी ठंडी औरत को देख रहा हूँ जो अपने सामने एक लड़के को भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है क्या ये वही वेव नहीं है जब आप एक सुंदर लड़के को देखते हैं और बिल्कुल पागल हो जाते हैं? ये तो बिल्कुल वही सीन चल रहा है। और फिर गाइस हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, अपना हीरो और वो फॉक्स डीमन अलग अलग बैठे होते हैं और दोनों को दोनों ब्लश कर रहे होते हैं और साथ में ड्राइवर को भी दिखाते हैं, वो भी बेचारा सब कुछ इग्नोर करके बैठा हुआ होता है कि मतलब मैंने कुछ देखा ही नहीं, तुम लोग ने क्या किया। और फिर गाइस हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, वो फॉक्स डीमन थोड़ा शर्माते हुए और गुस्से में वही बैठी हुई सोच रही होती है, ये जो मेरे सामने है मैं सोच रही थी कि वह किस जाति का था और अनजाने में मैं उसे छूने गई थी ये देखने के लिए कि उसकी पूछ है या नहीं है। और फिर हमें दिखाते हैं ये बात बोलने के बाद वो और ब्लश करने लगती है
और ब्लश करते हुए कहती है, मैं 20 से अधिक वर्षों से एक अलग ह्यूमन औरत हूँ। फॉक्स नेचर उसके कारण मैं टूट गई हूँ, क्योंकि दोस्तों ये फॉक्स में आने के बाद मैं कुछ अलग हो जाती है इसलिए। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा, क्योंकि दोस्तों मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आया है। और आपको अगर मजा आया है दोस्तों तो प्लीज आप लोग जरा सा मेरे चैनल में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।